हम अटाला मस्जिद के पहले हैं। अटाला मस्जिद के पहले आप देख पा रहे होंगे मंडी नसीब खां के पास सरकार की यहाँ पे टेंट लग गई है और यहाँ पे तैयारियाँ काफ़ी जोरों से चली है। रात बिरात यहाँ पे पूरा सजावटें हो जाएंगी, जो आप देख पा रहे होंगे, जो खाली स्थान देख रहे होंगे उस पर पूरा चमेली और पूरा पर्दे लग जाएंगे। तो चलते हैं हम अटाला मस्जिद के पास, वहाँ से पूरा आपको नज़ारा दिखाते हैं। साथ ही बता दें यहाँ पे देखिए दुकानें वुकानें लगना चालू हो गए हैं, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दुकानें, खिलौने की दुकान सब लगना चालू हो गया है। तो साथियों देखिए ये हिंदी भवन है, ये हिंदी भवन है। हिंदी भवन से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सामने अटाला मस्जिद का इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफी भव्य सजावट हुई है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे दुकानें लगना चालू हो गया है, यहाँ पे अभी भी खरीदारी लोग शुरू कर दिए हैं। तो जो बारह फात का मेला है साथियों कल है, कल कल बता दें कल 16 सितंबर है, दिन सोमवार, दिन सोमवार को यहाँ पे मेला रहेगा। बता दें कि सोमवार के दिन मेला रहेगा। आप अटाला मस्जिद का नज़ारा देख पा रहे होंगे किस प्रकार का है। साथियों टाइम देख पा रहे होंगे आज 15 सितंबर है, शाम के 5:30 बज चुके हैं, मतलब 5:45, और देख पा रहे होंगे सामने अटाला मस्जिद किस प्रकार का दृश्य और काफ़ी भव्य सजावट हुई है। अभी हम चलते हैं पीछे, पीछे से आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और तैयारियां देख पा रहे हो काफ़ी तेज़ी शुरू हुई है। तो बता दें कि टेंट उंट पूरा यहां पे लग गया है, जितने भी दुकानदार भाई हैं सभी लोग धीरे धीरे अपना दुकान लगाना शुरू कर दिए हैं। तो हम आप सभी को सीधे नज़ारा जनपद जौनपुर से दिखा रहे हैं, जौनपुर का ऐतिहासिक बारह फात का मेला। तो बारह फात का मेला अटाला मस्जिद पे काफ़ी फेमस है, तो हम आपको पूरा एक्सप्लोर करा रहे हैं। और काफ़ी भव्य सजावटें देखिए यहाँ पे की गई है, देख पा रहे हैं किस प्रकार के फूल से सजावट यहाँ पे हुई है। यहाँ पे देखिए दुकानें वकाने जो दुकान भाई रहे हैं, दुकानदार लोग सभी लोग लगा रहे हैं। और यहाँ देखिए ये, तो बता दें साथियों ये उत्तरी गेट है, जो आप नज़ारा देख पा रहे होंगे ये उत्तरी गेट है, जो अभी हम अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। अंदर का नज़ारा कल 16 सितंबर है, कल हम पूरा दिखाएंगे। अभी हम बाहर बाहर से ही जनपद जौनपुर में जहाँ जहाँ सजावट हुई है वहाँ वहाँ पूरा आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और कल 16 सितंबर को जरूर आइए इस बारह फात के मेले में। तो यहाँ पे देखिए लगातार बस झालर लग रही है। तो बता दें साथियों कि यहाँ पे देखिए जो हलवे पराठा और यहाँ पे जो मीठा होता है, तो इन लोग का पूरा स्टॉल लग चुका है। तो कल 16 सितंबर को पूरा जो मेला रहेगा तो काफ़ी खरीदारी हो गई है इनकी। तो हम आपको पूरा जौनपुर का जहाँ जहाँ पूरा सजावटें हुई हैं वहाँ पूरा नज़ारा दिखाएंगे। आप लोग वीडियो हम लोग बने रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाइए इस चैनल पर गुरु आशुतोष ब्लॉग। और यहाँ पर देखिए काफ़ी बढ़िया चमेली लगाई गई है। ये सीधे कोतवाली वाला रास्ता जाता है, जो आप देख पा रहे होंगे सीधे कोतवाली रास्ता जाता है। अब कल यहाँ पे पूरा खचा खच ये पूरा एरिया भरा रहेगा, आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर देखिए हलवा साहिब हलवा और पराठा पूरा यहाँ पे दुकानदार भाई देखिए लगा रहे हैं दुकान वकान। तो कुछ लोग की दुकान लग चुकी है, वो कल अपना खोलेंगे। कुछ लोग दुकान देखिए अभी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ देखिए अंदर भी दुकानें लग गई हैं, यहाँ भी दुकानें लग गई हैं, और कोतवाली चौराहे से पहले पूरा देखिए दुकानें लग गई हैं। अल्फस्टिंगंज का ये एरिया है, प्रधान डाकघर, प्रधान डाकघर के पास भी देखिए ये प्रधान डाकघर है। प्रधान डाकघर के बाहर भी कुछ प्रकार देखिए शाही हलवा शाही पराठा बनाने का काम स्टॉल लगा है। तो जमजम हलवा पराठा बता दें, कई लोग थोड़ा पूछेंगे कहाँ से आए हैं। तो भैया कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आए आप लोग? बहराइच। तो हर साल आते हैं? कितने साल से आ रहे हैं भैया, कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? 10-12 साल। अच्छा 10-12 साल। तो बता दें कि 10-12 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। शाही हलवा शाही पराठा, इसको क्या बोलते हैं भैया? खस्ता, खस्ता मीठा। तो क्या नाम पड़ेगा भैया, क्या नाम है आपका? सुल्तान भाई हैं। तो कितने लोग आए हैं भैया आपके साथ? 15 लोग आए हैं। अभी कब तक रहेंगे? परसों तक, 3 दिन। बता दें 3 दिन तक ये देखिए इन लोग अपने पूरी टीम के साथ रहेंगे इस बारह फात के मेले में। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कल के इस ऐतिहासिक बारह फात के मेले में आप लोग जरूर आइए और इस मेले को ज़्यादा भव्यता दीजिए। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरी तैयारियाँ जोरों से चल रही है, कुछ जगह अभी चमेली नहीं लगी, कुछ जगह चमेली लगना चालू हो गया है। चलिए चलते हैं हम शाही किला के पास, वहाँ से पूरा हम आप सभी को पूरा व्यू दिखाते हैं। और बता दें साथियों कि जैसे हम नगर पालिका से
हॉट मिलन वाली गली पहुंचे, वहां पे भी टेंट लगा हुआ मिला। अब कल या तो आज रात पूरी सजावटें इस गली में हो जाएगी। तो बैक टू बैक हम आप सभी को जनपद जौनपुर का एक ऐतिहासिक जो भव्य बारा फात का मेला है उसको पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कल मेला है तो आज उसकी पूरी तैयारी चल रही है, उसका व्यू दिखाने का हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आपका भाई गुरु आशुतोष ब्लॉग्स आपका चैनल है, आपको प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। तो साथियों हम सीधे हम आ गए हैं शाही किला, अल्फस्टिंगगंज होते हुए मथारी टोला होते हुए हम आ गए हैं शाही किला। और शाही किला पे भी देखिए भव्य सजावट हुई है और भारतीय ध्वज लहरा रहा है शाही किला में। तो यहाँ देख पा रहे हैं कुछ प्रकार का जो किला कच्चा चौराहा है पूरा देखिए झालरों से पूरा सजावटी की गई है। और ये देखिए काफ़ी भव्य तरीके से रंगीन लाइटें लगाई गई हैं और धीरे धीरे यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। और सामने आप देख पा रहे होंगे तिरंगा वाला गेट देखिए जगह जगह लगाया गया है यहाँ पे। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं चाहारसू चौराहा, और चाहारसू चौराहा से हम चलेंगे होलंगगंज, होलंगगंज चलेंगे शाही पुल के रास्ते। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और कल के मेले में आप जरूर रहे। देखिए यहाँ पे झूला वाला पूरा देखिए जंपिंग वाला झूला देखिए लग गया है और अभी से ये लोग तैयारी पूरी कर लिए हैं। जो ऐतिहासिक बारा फात का मेला है उसमें अपना दुकान लगाने के लिए इस प्रकार की लग गई है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए जंपिंग वाला झूला पूरा लग गया है और यहाँ पे ये देखिए झूला चल रहा है, ये भी झूला लग गया, नाव वाला भी झूला देखिए लग चुका है। तो बता दें धीरे धीरे वर्षा भी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे तैयारी चली रही है, जैसे हम किला से चारसू की ओर बढ़े हैं तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार का यहाँ पे देखिए बच्चे लोग जंपिंग वाला झूला झूल रहे हैं जो आप देख पा रहे होंगे। तो पूरा जंपिंग वाला झूला ये लोग बच्चे लोग झूल रहे हैं और वहाँ पे देखिए छोटा झूला राउंडिंग वाला वो भी देखिए झूला, अगर बच्चे लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे इस झूले को चालू कर दिया जा रहा है, यहाँ से झूला ले जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पूरा झूला वूला चालू हो चुका है। तो साथियों चारसू चौराहा धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, यहाँ पे देखिए पूरे बांस बल्ली लगे हुए हैं और रात बिरात यहाँ पे भी पूरा झालर से पूरा सजावट कर दी जाएगी। तो धीरे धीरे जो हमारी वीडियो है पहुँच रही है चारसू चौराहा। तो चारसू चौराहे का ये आप नज़ारा देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का है। और चारसू चौराहे से हम चलेंगे बाईं तरफ, पहले हम आपको ले चल रहे हैं बाईं तरफ यहाँ पे देखिए लाइट उट लगना चालू हो गया है पूरा। यहाँ पे देखिए रात में जो यहाँ पे झालर लग जाएंगी काफ़ी ऐतिहासिक हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। देख पा रहे हैं पूरा झालर लग रहा है। तो बारा फात की जो तैयारियाँ साथियों काफ़ी तेज़ गति से, तो आप देख पा रहे होंगे सामने शाही पुल का नज़ारा और शाही पुल पे भी देखिए लाइटियाँ अभी जली नहीं है, लाइटियाँ पूरा अभी सेट हो रहा है क्योंकि बारा फात कल है। तो भीड़ आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार की यहाँ पे देखने को मिल रही होगी आपको। तो ऐतिहासिक शाही पुल इस पर भी देखिए काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पे काम चल रहा है और सजावटें जो हैं काफ़ी तेज़ गति से किया जा रहा है। यहाँ पे दुकान भी यहाँ लगेगी कल। देख पा रहे होंगे गोपी घाट पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ आपको दिख रही होगी, शाम का समय है। तो देख पा रहे होंगे तैयारी काफ़ी तेज़ गति से किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी मैकेनिक हैं सभी लोग पूरा जौनपुर को सजाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। तो शाही पुल से हम चल रहे हैं होलंगगंज, सीधे सराय पुख्ता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पूरा टेंट लगा हुआ है, अभी यहाँ पे झालर नहीं लगा है, अभी हम सराय पुख्ता पुलिस चौकी के पास पहुँच रहे हैं, होलंगगंज चौराहे पे पहुँच रहे हैं। तो आज रविवार का दिन है, सायंकाल का दिन है, शाम का दिन है, हम आपको पूरा बारा फात की तैयारियाँ दिखा रहे हैं। तो देखिए जहांगीराबाद जाने वाला मार्ग है जो आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे भी सजावट की गई है, आप देख रहे होंगे चमेली झालर पूरा लगा दिए गए हैं और काफ़ी जगमग जगमग करने वाला
पूरा देखिए चमेली लगा हुआ है। जब लाइटें जल जाएंगी तो काफ़ी बढ़िया इस पर रौनक नज़र आएगी इस रोड पे जहांगीराबाद मार्ग के लिए। तो चलिए साथियों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो वीडियो को आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। तो साथियों हललालका रोड से कोतवाली की तरफ जैसे ही हम बढ़े हैं तो आप देख पा रहे हैं बाजार का, यहाँ पे पूरे टेंट लग गए हैं, बस इस पर झालर लगाना बाकी है। और जितने भी आप देख पा रहे होंगे पूरा कुछ जगह झालर लग गया है। सूरज मेडिकल से जैसे आप पान दरीवे की ओर बढ़ेंगे तब आपको इस प्रकार का यहाँ पे पूरा चमेली, रंगीन चमेली देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया सजावट यहाँ पे हुई है। तो जैसे ही लाइट जलेगा तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ का आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम आप सभी को दिन का दिखा रहे हैं क्योंकि तैयारियाँ काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पे की गई हैं और आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के यहाँ पे मेला 2 बजे तक रहेगा, रात के 2 बजे तक। जौनपुर का ऐतिहासिक बारह फात का मेला जो अपने आप में एक अलग रूप में बदल रही है और आप सजावट देख के पता कर पा रहे होंगे कि जौनपुर का काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर तैयारियाँ देखिए, तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे, तो पूरी रात यहाँ पे तैयारियाँ चलेगी। तो देख पा रहे हैं कुछ प्रकार की लाइट की सजावटें काफ़ी अच्छी की गई है। पांदरीवा वाला मार्ग है ये, कोतवाली से पांदरीवे का मार्ग है ये और झालर की जो सजावटें हैं काफ़ी बढ़िया हैं। आलम खां टावर के पास का ये दृश्य है। तो देख पा रहे हैं पांदरीवा वाला मार्ग पे सजावटें और यहाँ पे चमेली भी लग रही है, साइड साइड चमेली भी लग रही है, बीच में झूमर लगा है और यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की धूल न उड़े। तो साथियों पांदरीवे वाले मार्ग पे हम आ चुके हैं, तो देख पा रहे हैं पूरी पतंग से सजावटें की गई हैं। पांदरीवे में पूरी पतंग आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़िया सजावट इस पांदरीवे। यहाँ पे बता दें पतंग की पूरी यहाँ पे फैक्ट्री की तरह से आप समझ लीजिए, पूरी पतंग यहाँ पे इसलिए सजावट की गई, पूरी यहाँ पे पतंग की जो दुकानें हैं करीब 40 से 50 घर दुकान है पतंग की। तो ये पांदरी वाला मार्ग है, तो ये मुल्ला टोला का दृश्य है। तो चलते चलते हम आ गए हैं मुल्ला टोला। मुल्ला टोला में भी काफ़ी बढ़िया सजावट आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी की गई है। तो जौनपुर का जो पल की जो अपडेट है बैक टू बैक मुंबई आने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, तो अजमेरी मुल्ला टोला यहाँ पे देखिए अभी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे अभी जगह जगह आपको तैयारी देखने को मिल रही होगी।